हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में 95% कैसे इजीली स्कोर कर सकते हैं। और मैंने खुद ये अचीव किया है। आई हैव सिक्योर्ड 95% इन माय क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम CBS केंद्रीय विद्यालय एंड द बोर्ड विच आई स्टडीड वॉज CBSE। सो कुछ टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बेशक आपके 95% आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो नंबर वन कि आप पहले राइट मटेरियल सेलेक्ट करिए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, ITJEE की बुक्स ले आते हैं, वो उनसे सॉल्व होती नहीं है या पूरी उसको कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता और वो कुछ टॉपिक्स को ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बाकी ऊपर उनकी कमांड नहीं रह पाती, जिसकी वजह से उनका स्कोर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो सबसे पहले आपको राइट मटेरियल लाना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th एज वेल एज JEE, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका 12th किसी भी हालत में ख़राब ना हो, क्योंकि JEE का भी क्राइटेरिया दैट यू नीड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 75% एग्रीगेट इन PCM। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। एक अगर आपको बोर्ड स्ट्रॉन्ग करनी है तो एक ये दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो आप एग्ज़ाम आइडिया की बुक्स ला सकते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल, या ओसवाल की आप प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी एक को भी अच्छे से लगाएंगे तो गारंटेड आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। सेकेंड थिंग कि बहुत बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बीच में ही उनका रूटीन ख़राब हो जाता है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप रोज़ 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ आपको 4 घंटे पढ़ना ही है, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे, तो उस रूटीन को अभी ख़राब नहीं करना।